हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल शेयर यू एलकेजी हिंदी वर्कशीट। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एलकेजी क्लास के बच्चों के लिए हिंदी की वर्कशीट। ये जो मैंने सारी वर्कशीट बनाई है वो बच्चे के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ही सारी सीट्स बनाई है, तो आप बच्चे को अभी से ही एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग ही आप बच्चे को घर पर प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं चित्र को अक्षर से मिलाओ। फर्स्ट वर्कशीट में क्या करना है, बच्चे को जो चित्र है उसके सामने जो अक्षर है उसके साथ क्या करना है, मिलाना है। सपोज यहाँ पे ट लिखा है तो ट से टमाटर, तो इस तरह से बच्चे को ट से टमाटर से मिलाना है। छ से छाता, तो इस तरह से बच्चे को सिंपल छाता के साथ क्या करना है, मिलाना है। च से चम्मच, च से झंडा, ड से डमरू, बस इस तरह से बच्चे को चित्र को देखकर अक्षर के साथ क्या करना है, मिलाना है। एंड देन नेक्स्ट वर्कशीट इज देखकर सही अक्षर चुनो। इस वर्कशीट में क्या करना है, सिंपल बच्चे को चित्र को आइडेंटिफाई करना है एंड देन आफ्टर उसका जो सही अक्षर है उस पर क्या करना है, अंडरलाइन बनानी है। लाइक यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, कप है, तो बच्चे को यहाँ पे देखना है क्या है, कप, फल और मटर, तो कप है तो उस पे, तो कप पे क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। उसके बाद ये जो है वो क्या है, सारे फल है, तो बच्चे को यहाँ पे फल लिखा है उसके नीचे क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। लाइक यहाँ पे कप, अदरक एंड फल, तो बच्चे को फल पे क्या करनी है, अंडरलाइन बनानी है। एंड देन आफ्टर ये क्या है, आम है, तो बच्चे को आम के सामने क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। आ से आम, तो इस तरह से आम, माता और बाजा। उसके बाद ये क्या है, बादल है, तो बच्चे को यहाँ पे कप लिखा है, बादल लिखा है और माता, तो बादल पे भी क्या करना है, इस तरह से अंडरलाइन बनानी है। एंड देन नेक्स्ट वर्कशीट इज के बाद नेक्स्ट में है रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान में क्या करना है, क लिखा है तो ख लिखना है, यहाँ पे जितने भी स्थान बाकी है वो क्या करने हैं, भरने हैं। इस तरह से क लिखा है, क ख, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ग, तो बच्चे को इस तरह से रिक्त स्थान क्या करने हैं, सभी भरने हैं। उस नेक्स्ट देखे तो समान वर्ण को मिलान करो। ये जो सारे वर्ण हैं उसके सामने जो समान वर्ण है उसके साथ क्या करना है, मिलान करना है। अ है तो बच्चे को सिंपल यहाँ से अ के साथ क्या करना है, मिलान करना है। आ तो बच्चे को क्या करना है, आ के साथ मिलाना है। ई तो बच्चे को इस तरह से ई के साथ मिलाना है। बस इस तरह से समान वर्ण जो है उसके साथ क्या करना है, मिलान करना है। एंड देन नेक्स्ट वर्कशीट इज चित्र देखकर शब्द पूरा करो। ये जो चित्र है उसको बच्चे को क्या करना है, पहले पहचानना है, उसके बाद उसका जो अक्षर है वो क्या करना है, पूरा करना है। देखिए यहाँ पे बस का चित्र है, तो बच्चे को यहाँ स लिखा है तो उसके सामने क्या करना है, इस तरह से ब लिखना है, उसका मतलब बस। उसके बाद देखे तो यहाँ पे घर का चित्र है, तो बच्चे को घर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो बच्चे को सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, र लिखना है। बस इस तरह से चित्र को देख के पूरा जो शब्द है वो क्या करना है, पूरा करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखें तो चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगा। ये क्या है, चित्र को बच्चे को पहचानना है, उसके बाद उसका जो सही अक्षर है उस पर क्या करना है, गोला लगाना है। देखिए यहाँ पे मटर का चित्र है, तो यह क्या लिखा है, सड़क, कमल और मटर, तो बस सिंपल बच्चे को मटर के ऊपर क्या करना है, गोला लगाना है। उसके बाद ये क्या है, बटन है, यहाँ पे लिखा है बटन, फल और रथ, तो बच्चे को यहाँ पे बटन के नीचे क्या करनी है, इस तरह से गोला लगाना है। उसके बाद ये क्या है, आम है, तो बच्चे को आम के अंदर क्या करना है, गोला लगाना है। देखिए यहाँ पे आम, राम और घर, तो बच्चे को यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आम के नीचे गोला लगाना है। बस इस टाइप्स की वर्कशीट आप एलकेजी क्लास के बच्चों के लिए घर पर बना सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।